आपने मेरा फिटनेस असेसमेंट देख लिया कि फिटनेस असेसमेंट क्यों जरूरी है। डे वन का भी वर्कआउट मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप जिम एंट्री करते हो तो आपको कौन कौन से वर्कआउट करनी चाहिए, आप मोटे हो पतले हो लेकिन वो तो बिगनर ना, तो डे वन में कौन से वर्कआउट परफॉर्म करना चाहिए। अब हम लोग करेंगे आज डे टू का वर्कआउट और बताएंगे डे टू के वर्कआउट में क्या क्या परफॉर्म करना चाहिए। आपको फिर से एक बार बता दूं कि जब हम अपर बॉडी का वर्कआउट करते हैं उसको कहते हैं हम वैसे अपर लीव, और जब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं कमर के नीचे से तो उसको कहते हैं लोअर लीव। तो ये बॉडी को हमने दो भागों पर डिवाइड किया हुआ है। तो डे वन में आपने वर्कआउट देखा था तो हम लोगों ने लोअर लिंग से स्टार्ट करा था, आज हम लोग अपर लिंग से स्टार्ट करके लोअर लिंग पे डे टू। फर्स्ट वर्कआउट की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग पहला वर्कआउट स्टार्ट करेंगे शोल्डर प्रेस से। तो शोल्डर प्रेस लगाएंगे कैसे, आप लाइट वेट का कोई भी डंबल ले लें उससे आप परफॉर्म करना स्टार्ट करें। मैं इन पे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिगनर है और देख रहे हो सामने आपका कि ये मोटे भी हैं और काफ़ी ओबीस भी है, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि मैं जब जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा वर्कआउट परफॉर्मेंस कैसा होगा। जैसे कि इन्होंने डंबल को लिया है, इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, तो बहुत सारे जिम में ना आपको मशीनें मिल जाएंगी शोल्डर प्रेस के लिए। तो हम लोग डंबल प्रेस ना ऐसे फ्लैट सरफेस में बैठ कर भी लगा सकते हैं, खड़े होकर भी लगा सकते हैं। तो चलो बैठ के लगाते हैं, ऐसे किसी फ्लैट सरफेस में बैठ के भी आप शोल्डर लगा सकते हैं। भैया ने डंबल को ना कान पे सटा रखा पता कोई नहीं, ऊपर ले जाके सटाएंगे यस हाँ, पूरा मोमेंटम देंगे मसल्स को। हाँ चलो गुड करो या। तो देखो बिगिनर रहोगे तो आपको भी ये प्रॉब्लम आएगी, परफेक्शन स्टार्टिंग में मैंने कहा नहीं आती है सो नहीं आएगी। तो पहला वर्कआउट आपने देखा, हमने कह रहा डंबल शोल्डर प्रेस। अब चलते हैं सेकंड वर्कआउट की तरफ। तो डे टू में भी हम फिर से पुशअप्स लगाएंगे, ऐसा नहीं कि डे टू है तो आज हम कुछ अलग यूज़ करेंगे, बस हम ये करते हैं डे टू में हम अपर लिम्ब की से करते हुए वर्कआउट को लोअर लिम्ब की तरफ जाते हैं। तो हमने शोल्डर से स्टार्ट करा है और कुछ चीज़ें डे टू में ऐड कर लेंगे। तो ये रहा पुशअप्स जो मैंने डे वन में भी बताया था जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके जिम में अगर ये मशीन ना हो तो आप डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हैं। डे टू है, हम कोई एक्सटर्नल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कुछ एड ऑन नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि ये डे टू है। तो डे वन डे टू बहुत ही बिगिनर स्टेज होता है, तो बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस बॉडी पे नहीं डालेंगे। तो नेक्स्ट वर्कआउट आप चेस्ट प्रेस का रखेंगे। नेक्स्ट वर्कआउट जो हम परफॉर्म करने वाले हैं चेस्ट प्रेस के बाद वो होगा प्लैंक। आज हम लोग डे टू का वर्कआउट है, मैं बाबा बोल रहा हूँ। तो डे टू के वर्कआउट में आप याद रखिए कि आप सेट वाइज कंप्लीट करेंगे इसे, एक सेट दो सेट, दो सेट में आप तीन सेट में जितना रिपीटेशन आप लगा सकें वो आप अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट वर्कआउट हम कर रहे हैं लैट पुल डाउन। मैंने क्या बोला, डे टू के वर्कआउट में हम बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे, हम अपर लिम्ब से लोअर लिम्ब की तरफ जाएंगे। तो अब हम करेंगे जो नेक्स्ट वर्कआउट कर रहे हैं वो है लैट पुल डाउन और स्लोली परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वर्कआउट जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है स्क्वाट्स। मैंने अपनी डे वन की वीडियो में भी बताया कि स्क्वाट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, और आज डे टू का वर्कआउट है तो हम यहाँ से अपने वर्कआउट को अब इंड की तरफ लेके जाएंगे। तो स्क्वाट्स जरूर लगाएं और लास्ट में स्क्वाट्स रखें। तो ये तो डे टू का वर्कआउट है, थोड़ा कार्डियो ऐड करेंगे, कितना करेंगे, एक मिनट दो मिनट ओबीस है उसके अकॉर्डिंग, असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने फिटनेस बनाया है जो चेक करा है उसके अकॉर्डिंग चेक करने के बाद आप कार्डियो ऐड करेंगे वर्कआउट के लास्ट में। आज डे टू का वर्कआउट है तो थोड़ा कार्डियो ऐड करेंगे और वर्कआउट के बाद ही कार्डियो कराएंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो और डे थर्ड के वीडियो।